हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज लिए मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो 16th क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू विगोत्स्काय, चिल्ड्रन लर्न, options are by maturation, by imitation, by interacting with adults and peers, when reinforcement is offered। तो आपके पास 3 seconds का टाइम है, आप सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए। विगोत्स्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, by interacting with adults and peers। एडल्ट्स और अपने आसपास के जो उनके क्लासमेट्स होते हैं, यानी कि जो उनकी एज के बच्चे हैं, उनसे बातचीत करके और अपने बड़ों से बातचीत करके, इंटरेक्ट करके बच्चे सीखते हैं अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की। तो सॉल्यूशन में प्रॉपर क्या है? अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की, एडल्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एडल्ट्स ट्रांसमिट देयर कल्चर्स टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन डेट चिल्ड्रन इंटरनलाइज। जो एडल्ट्स होते हैं वो एक तरह से अपने कल्चर के बारे में बच्चों को बताते हैं, जब वो बता रहे होते हैं तो वो भी वही चीज़ फिर मतलब कर रहे होते हैं, जैसे आरती उतारना, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ना। तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है कि हम नमस्ते बोलते हैं जब कोई बड़ा आता है। तो ये सब छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो चिल्ड्रन है वो हम ही से तो देख के सीख रहे हैं, हम बड़े हैं तो इट मीन्स कि जो छोटे होते हैं वो हमारी चीज़ों को ऐसे अडेप्ट कर रहे होते हैं जब एडल्ट्स खुद वो चीज़ें कर रहे होते हैं। मतलब एडल्ट्स ट्रांसमिट करते हैं बच्चों में जो वो खुद कर रहे होते हैं वो वाली हैबिट्स। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्काय, चिल्ड्रन लर्न बाय इंटरैक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। तो ये हमारा आंसर है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग हैज गिवन, कोलबर्ग ने इन चारों में से क्या दिया है? सो द ऑप्शंस आर द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, the stages of emotional development, the stages of moral development और the stages of cognitive development। तो आपके अकॉर्डिंग कोलबर्ग ने क्या दिया? आपके पास 3 seconds हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की 3 stages दिया, जो कि है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरालिटी। तो ये तीनों के तीनों स्टेजेस मॉरल डेवलपमेंट की है, जो कि एक बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करती हैं। तो ये मॉरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया है कोलबर्ग ने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। सो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। 4 सिचुएशन दी गई है हमें नीचे, तो हमें बताना है कि इन 4 सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन है जो कि एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की सिचुएशन मानी जाएगी। सो द ऑप्शंस आर अ क्लास इन विच द टेक्स्ट बुक इज द ओनली रिसोर्स द टीचर रेफर्स टू। ऑप्शन बी, अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सेटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप। ऑप्शन सी, अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्नड बाय द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स द टीचर वुड गिव देम। ऑप्शन डी, क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज द नोट्स। सो आपके अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की कौन सी सिचुएशन है जो नीचे 4 दी गई है? सो यू हैव 3 seconds, डिसाइड करो। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप। एक क्लास के अंदर जब स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठे हुए होते हैं तो टीचर बार बार हर ग्रुप में जाती है बारी बारी से एंड देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से ग्रुप वर्क कर रहे हैं यानी। तो वो होती है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। सो प्रॉपर सॉल्यूशन है, इन द एजुकेशन वर्ल्ड द टर्म स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम इज़ वन वी हियर अ लॉट। स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम हम ज़्यादातर बहुत सुनते हैं, अपने स्कूल टाइम पर भी आपने सुनी होगी, अपने कॉलेज टाइम पर भी, या आप अभी भी अपने बच्चों के वहाँ से सुनते हो कि हमारी क्लास तो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, ऐसा टीचर्स बोलती है। तो ये एजुकेशनल वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा सुना जाता है एंड मैनी एजुकेटर्स वुड अग्री डेट वेन इट कम्स टू 21st सेंचुरी लर्निंग
having a student-centered classroom is certainly the best practice. And बहुत से educators के according ये लोग agree करते हैं कि 21st century की learning, मतलब अभी जो 21st century अभी चल रही है, ठीक है, तो इस सेंचुरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बेस्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, और वो मेथड है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम करना, ठीक है। तो एक स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो होता है जहाँ पे कि स्टूडेंट ग्रुप में बैठते हैं एंड टीचर हर एक ग्रुप में जाके बच्चों से बातचीत करती है एंड उनको बढ़ावा देती है कि आप ऐसे काम करो, मतलब उनकी स्किल्स को एक तरह से नोटिस कर रही होती है टीचर, बच्चों की हेल्प करती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इंटेलिजेंस इज options are a singular and a generic concept, the ability to imitate others, a specific ability, a set of capabilities. आपके पास 3 seconds है आंसर सोचिए कि इंटेलिजेंस क्या है इन चारों में से। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। सॉल्यूशन है इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। जो इंटेलिजेंस होती है वो कैपेबिलिटीज का सेट होता है। एक Intelligence is usually said to involve mental capabilities such as the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehended ideas and language and learn. Set of qualities में आपकी different चीज़ें आती है, जैसे कि आपके पास ability है कि कोई भी problem solving या thinking का part आ जाता है तो आप जल्दी से उसको solve कर लेते हो, तो वो आपकी intelligence पर depend करते हैं and आपके ideas। कोई बच्चे होते हैं कि वो सिंपली अपनी नोटबुक में वर्क करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ उसको क्रिएटिविटी के तौर पे करते हैं, कुछ डिज़ाइन बना दिया आसपास जो टीचर को भी अच्छे लगे, तो वो हर बच्चे की अपनी इंटेलिजेंस है कि वो कैसे क्या करते हैं। तो हर एक बच्चे में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो इसलिए इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ है। So our last question is, which is question number 20. Early childhood is dash period for language development. Early childhood कौन सा period होता है language development में? So the options are an unimportant period, a sensitive period, a neutral period, और last option है a not so significant period. तो आपके पास 3 seconds है, सोचो क्या होगा आंसर। So the answer is option B, a sensitive period. Early childhood जो होता है वो एक sensitive period होता है, एक बच्चा जब अपनी language develop कर रहा होता है, बच्चे की जब language development हो रही होती है, इस stage में जो child होता है वो कुछ भी सीख लेता है, वो कोई भी language सीख सकता है, वो voice सीख रहा होता है, जो उसकी family words बोले जाते हैं, जो उसके environment में जब वो रह रहा है तो वहाँ से words सीखता है, क्योंकि वो imitate कर रहा होता है उन words को। In the early stages of language development, the brain is programmed to attend to speech sounds and begin to mimic them. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब बच्चा language develop करता है तो दूसरों से words सुन रहा है, तो जो हमारा brain होता है उस time पे वो ऐसे work करता है कि जो भी आपने सुना है आप उसको बोलने की कोशिश करोगे, आप mimicry करोगे कि दूसरा person क्या बोल रहा है, आप imitate करोगे। Early on babies like to make sounds upon their own. और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप से ही साउंड निकालते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड जनरली होता है माँ, ठीक है, तो वो बच्चा अपने आप ही वो वर्ड निकाल रहा है, उसको किसी ने बताया नहीं है। तो जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो खुद ही साउंड निकालते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो वो सब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें बोली जाती है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, होप्स आपको पसंद आई होगी। Thank you for watching it. Bye.